आपके सर पर पूरी दुनिया का हाथ हो, पर अगर मेरे राघव जी की कृपा का हाथ नहीं है तो आपसे बड़ा अनाथ पूरे संसार में कोई नहीं है। और अगर आपके सिर पर दुनिया में किसी का भी हाथ नहीं है लेकिन मेरे ठाकुर जी का हाथ है तो आपसे सच्चा और बड़ा सनाथ इस संसार में कोई नहीं है। सब छोड़ दे, पूरा संसार छोड़ दे। प्रहलाद जी के पिता ने तो छोड़ ही दिया था, पिता का हाथ तो चलो हटाइए, वो तो मारने के लिए उतार हुए हिरण्यकश्यप, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का हाथ था प्रहलाद जी के सिर पर। नरसिंह भगवान के क्रोध को स्वयं मां लक्ष्मी ना शांत कर सकी, भय से भाग गए, मैं समक्ष नहीं खड़ी हो सकती, और उन भगवान के क्रोध को छोटे से प्रहलाद जी ने शांत कर दिया। ये कहां से संभव होता है? ये प्रेम से और भाव से संभव होता है। मैंने बार बार आपसे कहा, आपके हृदय में भाव है तो भगवान आपके साथ है, भाव नहीं है तो कछु भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। हजारों ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर भाव ने ही ठाकुर जी से भक्तों को मिलाया है। कर्माबाई की खिचड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। कर्माबाई ने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया था, 56 भोग भी नहीं लगाए। इधर मंदिर में 56 भोग सजे हैं और ठाकुर जी वहां सब छोड़ करके खिचड़ी खाने दौड़ पड़े, तो एक भगत की कढ़ी खाने दौड़ पड़े। जरा विचार करिएगा कि ये ऐसा क्या डाल देते हैं कढ़ी और खिचड़ी में कि भगवान को 56 भोग भी अच्छा नहीं लगता है। क्या वो मिला देते हैं ऐसा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस हर एक दाने में प्रेम के सिवा कुछ होता ही नहीं है। वो प्रेम में ही भोजन पकाते हैं, प्रेम से ही भोजन बनाते हैं और प्रेम ही परोसते हैं। कहते हैं ठाकुर जी को जब कुछ मीठा खाने का मन करता है ना तो किसी भगत का प्रेम पाते हैं, और जब कुछ तीखा और खट्टा खाने का मन करता है तो किसी अभिमानी का अभिमान खाते हैं। ये संत जन कहते हैं। हमारे भी कभी इच्छा होती है ना, कभी मीठा कभी तीखा, ठाकुर जी की भी होती होगी, क्यों नहीं होगी। ठाकुर जी से आप कभी बात करते हैं? एक बात बताइए, कभी ठाकुर जी से बात करी? गर्मी में जब एक एक बोतल लेके निकलोगे आप अपने घर के, ठाकुर जी को कभी एक गिलास पानी दोपहर में देते हैं कि सुबह सुबह धर दिया सो चलता है पूरे 24 घंटा, अब दूसरे दिन बदला जाएगा। जब तक आपके हृदय में ये बात है कि ये पीते ही नहीं है तो ये काहे पियेंगे, आप बताओ। बहुत जल्दी से एक कथा सुनाऊं, देखिए अगर मूलतः प्रसंग की ओर जाऊं तो मूल प्रसंग आप सबको पता है, प्रयास मेरा यह है आपको वो देके जाऊं जिससे आप ठाकुर जी को प्रेम कर लो, मेरा प्रयास ये है। दो सखियां थी, सखियां क्या ग्वालिने थी, साधारण सी ग्वालिने, जिनको भगवान का ये पता है कि भगवान मिलते हैं प्रेम से मिलते हैं, पर ये कोई जतन नहीं कर पाती है कि बहुत ज्यादा जतन की हो भगवान के लिए। और ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। चंपा और चंचला नाम की दो ग्वालिने दही दूध बेचने जाती हैं। आज आपस में दोनों बातें करने लगी। चंपा ने कहा, चंचला सुन, भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं? अब ये सवाल है चंपा का। चंचला ने कहा, बताऊं कहाँ रहते, मुझे मालूम है। वो जो साधु महात्मा लोग अपने गले में बड़ी सी माला झोली टांग के घूमते हैं ना, वाई के भीतर भगवान रहते हैं। कहां पे रहते हैं? माला झोली के भीतर। चंचला ने कहा, तुम इतने यकीन से कैसे कहती हो, तुमने भगवान को देखा है क्या उनकी झोली में? चंपा ने कहा, और क्या, देखती नहीं हो महाराज, लोग बार बार अपनी झोली को ताक के पता नहीं काका देखते रहते हैं और अपनी झोली कहीं छोड़ते भी नहीं है, तो कछु कीमती रहता होगा, तभी तो टांगे टांगे घूमते गटई में। गटई समझते हैं? गला अवधि शब्द है, तो गले में तभी तो टांगे घूमते रहते हैं। अब लगने लगा चंचला को, सही कहती है। तो फिर कहने लगी, हमें कभी भगवान मिलेंगे क्या चंपा? चंचला ने कहा, चंपा ने कहा, देखो पता नहीं। अच्छा, तभी तक एक संत आते दिखाई दिए। चंचला जोर से चिल्लाई, अरे चंपा वो देख, महात्मा आ रहे हैं और गले में झोली माला भी टांग रखी है। चंपा ने कहा, तो आ रहे कौन सा अपने भगवान दिखाने आ रहे, हमें थोड़ी ना दिखाने आ रहे, आने दो।
अच्छा महात्मा जी आए, प्रातः कालीन बेला थी, एक पेड़ के नीचे अपनी झोली माला रखी, दंड कमंडल रखा और स्नान करने चले गए नित्य सोच के लिए। अब ये उधर गए, चंचला ने कहा, सुन चंपा, माला झोली यहीं पड़ी है, चलना भगवान को देख के आते हैं। बोला महात्मा जी जान जाएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। उसने कहा, सुन मैं रास्ते पे नजर रखती हूं और तू तब तक भगवान को ढूंढ। अब ये एक लग गई चंपा, चंचला लग गई रास्ते में कि महाराज आए तो बताऊंगी, और चंपा ने टटोलना शुरू किया, खोल रही है उसमें अब साधु महात्मा के झोली माला में का मिलेगा, तुलसी की माला, रोली, चंदन, गोपी चंदन, यही सब पड़ा, भगवान कहीं दिखे ही ना। तब तक ढूंढते ढूंढते एक स्टील का छोटा सा डब्बा मिला चंचला को, चंपा को। अब जब उसने स्टील का डब्बा खोला तो एक मखमल के कपड़े में लिपटे हुए छोटे से लड्डू गोपाल मिल गए उसे। अब जोर से चिल्लाई, अरे चंचला मिल गए मिल गए मिल गए, देख भगवान मिल गए, ये देख बैठे हुए हैं, मिल गए भगवान। खूब खुश हुई, खूब खुश हुई, लेकिन कहती क्या है, चंचला मिल तो गए पर इनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। और टेढ़े काय है, ये निगुरे बाबा ने डब्बा में बंद कंद कर करके भगवान के हाथ ही पैर कर दिए। इतना डब्बा में बंद किया, इतना डब्बा में बंद किया कि भगवान की हड्डियां अकड़ चुकी हैं। अब इस लड्डू गोपाल कैसे बैठे टेढ़े मेढ़े होके, सो ऐसे ही थे वो। अब ये कहे, डिब्बा महाराखी राखी कोमल श्री राम जू के हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये निगुरे बाबा का भला होए, बताओ भगवान ने बंद कर करके उनके हाथ ही पैर टेढ़े कर दिए, कैसा निर्दयी बाबा है ये। खूब बोला अब भगवान से, भगवान को वो मखमल बिछाया और बाहर बिठा दिया। और अब ठाकुर जी से कहती है, ठाकुर जी बाबा जी नाए खड़े हैं, ऐसा करो खड़े हो जाओ, बाबा जी नहीं है आसपास, खड़े हो जाओ। अब राघव जी कहां से खड़े हो, तो बैठे ही बने हैं। अब ये बार बार कहे, खड़े हो जाओ, बाबा जी नहीं है। सो ये खड़े नहीं होवे तो अब सोचने लगी, एक पोजीशन में बैठे बैठे भगवान के पैर हाथ अकड़ गए हैं, और अकड़न जब हो जाए तो मालिश से ठीक हो जाती है। इसके मटकी में जो मक्खन रखा था ना, इसने मक्खन निकाला और ले लड्डू गोपाल की जम के मालिश करनी शुरू की। खूब मालिश करी, खूब जम के जब हाथ पैर ऐठे ना, तो ठाकुर जी भी रीझ गए। मक्खन की मालिश करी जब हुए भाव विभोर, तो हाथ पैर दो कर दिए सीधे अवध किशोर। जैसे ही मक्खन की मालिश जबरदस्त करी, ठाकुर जी ने भी फिर हाथ पैर सीधे करके ना, ठाकुर जी खड़े हो गए, वो छोटे से लड्डू गोपाल अब खड़े हो गए। अब इसने कहा, चंपा, अच्छा इसको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि भगवान मेरे सामने खड़े हो गए, अभी बैठे थे, इसको लग रहा है हमारी मालिश से ठीक हुए, इससे हुए। चंचला से कहती है, आजा चंचला तू भी दर्शन कर ले, ये खड़े हो गए हैं। अच्छा इसने दर्शन किया, और दर्शन किया और भाग करके गई, तब तक कही, अरे चंपा जल्दी डब्बा बंद कर, बाबा आ रहे हैं, बंद कर डब्बा, बाबा जी आ रहे। अब ठाकुर जी जब तक टेढ़े मेढ़े थे, सो डब्बा में बंद हो जाए, अब तो ये सीधे हो गए, अब कहां से डब्बा में बैठे, लेटाए तो लेटे ना, खड़ा करे तो ढक्कन ना लगे। अब ये बार बार कहे, ठाकुर जी जैसे थे वैसे हो जाओ, फिर से टेढ़े हो जाओ, डब्बा बंद करना है, टेढ़े हो जाओ, डब्बा बंद करना है। भगवान ने भी कहा, बड़े दिना पे तो हम सीधे भए, अब हम ना टेढ़े होंगे, इतने दिना बाद तो हम खड़े भए हैं, अब नहीं होंगे। जो बच्चा घुटने पहले घुटने के बल चले, और जब चलना सीख जाए उससे कहो अब घुटने के बल चलो, चलेगा क्या। राघव जी ने कहा, अब हम नहीं बंद होंगे, करते रहो। अब ये बार बार प्रयास करती रह गई, तब तक बाबा जी आए गए। अब चूंकि अभी स्नान नहीं किया, अब बिना स्नान किए बोले कैसे, मौनी महात्मा। और जब आप बोल ना पाओ तो गुस्सा और बढ़ जाता है 10-12%। अब ये बाबा जी अभी बोल देते तो शायद गुस्सा कम होता, सब खराब कर दिया मेरा, छूछा के, अरे क्या कर दिया, बोल नहीं पा रहे।
स्नान करके आए और जैसे ही सोच रहे थे कछु बोल के इनको डांटेंगे, तब तक निगाह पड़ी लड्डू गोपाल पे। और जैसे ही लड्डू गोपाल ने देखा, इनको तो डांटना छोड़ दिया, ये दोनों एक कोने में खड़ी हो गई। संत भगवान गिर पड़े दंडवत, बिल्कुल सीधा साष्टांग हो गए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए। अच्छा, जैसे प्रणाम करने के लिए लेटे, महात्मा की उंगली का स्पर्श ठाकुर जी के श्री विग्रह से हुआ, ठाकुर जी फिर टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर टेढ़े मेढ़े। अच्छा, अब ये दोनों क्या कहती है आपस में, ये कहती है, चंपा देखा, देखा तूने, भगवान ये बाबा से कितना डरते हैं, कितना डरते हैं, बाबा आए नहीं पाए फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। तो चंचला ने कहा, सुनो हमें तो लगता है ये बाबा अकेले में मारता होगा, इनको अकेले में खूब मारता होगा, इसीलिए तो भगवान इतना डरते नहीं, काहे को डरते। ये दोनों ये चर्चा कर रही हो, महात्मा की आंखें थे आंसू 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 आंसू, रोए जा रहे रोए जा रहे। ठाकुर जी से कहते, वारे ठाकुर जी, हमने जिंदगी भर पूजा करी, इतनी सेवा करी, हमसे टेढ़े के टेढ़े रहे और ये दो अनजान ग्वालिने मिल गई तो टेढ़े से सीधे हो गए, इनके लिए सीधे हो गए, हमारे लिए टेढ़े ही टेढ़े रहे। ठाकुर जी ने कहा, मैं तो सबके लिए सीधा हो जाता हूँ, जो भाव से मुझे सीधा करना चाहे, जो प्रेम मुझसे कर लेता है, तो सबके लिए मैं तो सीधा हो जाता हूं। बस भाव की जहां कमी मिलती है, वहां चाह करके भी मैं जा नहीं पाता हूं, कभी नहीं जा पाता।